तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वाइन की और टोकन की। क्वाइन क्या होता है और टोकन क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं ये कंफ्यूजन आपकी दूर करूंगा कि हम किसी को क्वाइन बोल रहे होते हैं और किसी को टोकन बोल रहे होते हैं, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। तो इस वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं करूंगा ताकि आप भी इजीली समझ जाएं और बोर ना हो। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इजी वर्ड्स यूज करके और छोटे से एग्जाम्पल देकर समझाऊं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाइन की। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। सपोज करें आपके पास एक कार है और उसके आप ऑनर हैं, तो उस कार की आप मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, आयल, सर्विसेज, मतलब जितनी भी उसकी केयर करनी होती है वो आपको ही करनी होती है क्योंकि आप उसके ऑनर है। तो यही काम होता है क्वाइन का। तो क्वाइन में सबसे पहले ये चीज आ जाती है कि क्वाइन का अपना ब्लॉकचेन होता है। हर ब्लॉकचेन के अपने रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें होती हैं जो ब्लॉकचेन की होती हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ सकते हैं कि वो क्वाइन जिनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है वो किसी और की ब्लॉकचेन यूज नहीं करते। जैसे बिटकॉइन है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज नहीं करता, अगर इथेरियम है तो वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता। दोनों की अपनी अपनी ब्लॉकचेन से, अपने रूल्स है, रेगुलेशन है, सॉफ्टवेयर है, प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये क्वाइन कहलाते हैं। जैसे बिटकॉइन है उसकी अपनी ब्लॉकचेन है, अपने रूल्स है, अपनी गैस फीस है, तो ये क्वाइन है। जैसे इथेरियम हो गया, इथेरियम भी एक क्वाइन है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है, अपने रूल्स है, अपनी गैस फीस है, अपने प्रोटोकॉल से, तो ये भी एक अलग क्वाइन हो गया। तो टोकन की अगर हम बात करेंगे आप ये समझे टोकन अपोजिट हो गया क्वाइन का, क्योंकि टोकन की अपनी कोई भी ब्लॉकचेन नहीं होती। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दूंगा। एक मेरा प्यारा सा दोस्त है दानिश, अब उसकी बहुत ही मुश्किल से एक जगह पे शादी की बात पक्की होगी। अब यहाँ पे उसको मुझे मिठाई देना तो बनती है, तो मैं चला गया एक मिठाई की दुकान पे। मगर मिठाई की दुकान पे मैं मिठाई लेने नहीं गया था, मैं वहाँ पे समोसे खाने गया था, क्योंकि वहाँ पे मिठाई की दुकान पे समोसे भी होते हैं। तो मैं चला गया डायरेक्ट वहाँ समोसे वाले के पास जहाँ पे समोसे वगैरह पड़े थे। तो मैंने उसको बोला भैया दो समोसे पैक कर दो। तो उसने कहा कि भाई वहाँ सामने काउंटर है, वहाँ पे जाओ जाके टोकन लेके आ जाओ। तो मैं गया काउंटर पे और काउंटर पे जाके मैंने उसको बोला कि मैं दो समोसे चाहिए, उसका टोकन दे दो। तो मैंने उसको पैसे दिए, उसके बदले में एक टोकन मुझे उसने दे दिया। एक प्लास्टिक का टोकन था, वो मुझे रेड कलर का उसने दे दिया। और वो टोकन जाके मैंने समोसे वाले को दे दिया, और समोसे वाले को मैंने जैसे ही वो दिया उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और दो समोसे उठा के मुझे पैक करके दे दिए। एग्जैक्टली यही सेम चीज होती है टोकन के साथ। जब भी कोई हम टोकन लेते हैं उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई वैल्यू होती है और कोई ना कोई फंक्शनलिटी होती है। आप कुछ पैसे देते हैं उसके बदले में आपको मिलता है टोकन। अब टोकन की कोई ना कोई यहाँ पे हो गई वैल्यू। तो यहाँ पे जो टोकन होता है उसकी अपनी कोई भी ब्लॉकचेन नहीं होती, वो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर उस दुकान की बात करें तो जहां से मैंने जाके टोकन लिया, टोकन लेके मैंने समोसे लिए, तो ये टोकन वाला काम हो गया। और ब्लॉकचेन अगर यहाँ पे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो शॉप ऑनर था वो एक ब्लॉकचेन का हो गया, वही उसका ऑनर है, जो चाहेगा वही होगा, रूल्स रेगुलेशन सारी उसी की ही चलेंगी। तो टोकन की अपनी कोई भी ब्लॉकचेन नहीं होती, वो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ टोकन बताऊं, जैसे कि मेम कॉइंस हो गए, अगर हम शिबा इनू की बात करते हैं, ठीक है, शिबा इनू की अगर बात करें तो वो भी टोकन है, क्वाइन नहीं है, क्योंकि शिबा इनू की भी अपनी कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है। तो यहाँ पे शिबा इनू जो टोकन है वो यूज करता है बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, इसकी अपनी कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है, तो ये भी टोकन ही हुआ। इसी तरह बहुत सारे टोकन होते हैं जो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन यूज कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि क्वाइन क्या होता है और टोकन क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यू टोकन जो लॉन्च हो रहे होते हैं वो अच्छे टोकन कैसे ढूंढे जाए और इनको बाय कैसे किया जाए ताकि अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।